यूं तो हरिद्वार जनपद में अनेकों महिला ग्राम प्रधान के तौर पर कार्य कर रही हैं, पर अधिकतर महिला प्रधानों के पति ही ग्राम के काम करते हैं। पर नारसन ब्लॉक के गांव बिल्लर हेडी में बहुत कम समय में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाले ग्राम प्रधान शबनम को जिला अधिकारी ने सम्मानित किया। स्वच्छता अभियान में श्रेष्ठ काम करने के लिए जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल ने शील्ड व प्रमाण पत्र देकर ग्राम प्रधान शबनम को सम्मानित किया। इस बारे में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार गांव बल्लेर हेडी की महिला ग्राम प्रधान को सम्मानित करना बड़े ही गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद ग्राम प्रधान शबनम खुद गांव की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कराती हैं। ग्राम प्रधान शबनम का कहना है कि उनको बड़ी खुशी हुई कि जब उनके कार्यों को लेकर जिला अधिकारी ने उन्हें सम्मानित कर अवार्ड दिया। इस कार्यशैली से गांव की और भी महिलाओं का उत्साह वर्धन हो रहा है। नहीं तो आती है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत रही थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास थी नहीं थे साधन, नहीं थे जैसे कूड़ा गाड़ी नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था। तो पहले तो हमने स्वीपर जो लगाए थे सफाई कर्मी, वो झाड़ू लगाते थे, ठीक है, वो थोड़ा कूड़ा वूड़ा जो उठाते थे उसके लिए मुश्किल था। लेकिन उसके बाद हमने एक ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर ट्राली छोटे वाली, और कूड़ा गाड़ी लिया है। अब हमें इतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं, और स्वीपर लगा रखे हैं हमने, कम से कम 9 सफाई कर्मी लगा रखे हैं इस चीज़ के लिए। हर गली हर नुक्कड़ से साफ सफाई हो रही है। और अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक पहल करी थी मेरा माटी मेरा देश, उसके भी उपलक्ष्य पे हमने अपने गांव में 220 पेड़ लगवाए हैं। हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा गाँव है, कि बिल्डिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधान को, किसी ग्राम पंचायत को फर्स्ट टाइम सम्मानित किया गया हमारे गांव में। जब से आज़ादी से लेके अब तक के आज तक कभी सफाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सुबह 6 बजे से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और आप हमारे सफाई कर्मचारी घर घर जाकर गलियों में सफाई करते हैं और कूड़ा एकत्रित करने का कार्य करते हैं, और शाम के लगभग 5 बजे तक ये काम डेली चल रहा है। जब से प्रधान जी हमारे 29 सितंबर 2022 से निर्वाचित हुए और शपथ ग्रहण से अगले ही दिन गाँव के प्रवेश द्वार से यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य से ये कार्य शुरू कर दिया था, और ये लगातार कंटिन्यू एक भी दिन ही नहीं रुका और ये काम लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।